हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्रेक लेस अनबॉक्सिंग। तो आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने जा रहे हैं फ्रेश अप मैट्रेस ब्रांड के सोफा कम बेड का। तो मैंने इनके दो प्रोडक्ट्स बाय किए हैं। एक तो है इनका न्यूली लॉन्च वन सीटर सोफा कम बेड का, जो कि है ये, और एक हमने बाय किया है इनका फोर सीटर सोफा कम बेड का, जो कि हमारा ये प्रोडक्ट है। तो इनका मैं पूरा डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ और आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मेरे को कैसे लगे हैं ये। और मेरा एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया था इस फ्रेश अप मैट्रेस ब्रांड पे, क्योंकि मैं लास्ट 3-4 मंथ से इनका जो पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस है वो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ। तो वो काफ़ी एक मेरे को रिलैक्सिंग फील करवाता है और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। अगर आपने वो वीडियो चेक करनी है तो यहाँ पे ऊपर लिंक आ रहा है, वहाँ से आप जाके इजीली चेक कर सकते हो। अगर आपने बाय करना है वो भी आपको लिंक वहीं पे मिल जाएगा। तो चलिए हम बिना देरी करते हुए इसके ऊपर चलते हैं जो हमारे दो प्रोडक्ट हैं। ये तो हमारा न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है जो हमारा एक वन सीटर सोफा कम बेड है। तो इसका मैं सबसे पहले आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू दूंगा, उसके बाद हम चलेंगे हमारा जो फोर सीटर सोफा कम बेड है। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको इस वीडियो में इसमें कोई भी रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। आप देखते हो हमारे पास प्रॉपरली पैक्ड हो गया था। इसके ऊपर एक और लेयर थी वो हमने रिमूव कर लिया है। तो यहाँ पे इसकी देखते हो आपकी प्रॉपर टेपिंग हो रखी है। और एक आपको मैं खास बात बताना चाहूंगा, इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री पिलोज देखने को मिलेंगे। अगर आप सिंगल सीटर भी बाय करते हो जो वन सीटर सोफा कम बेड है, यहाँ पे आपको एक सुपर्ब क्वालिटी का एक आपको पिलो देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर आप फोर सीटर सोफा कम बेड बाय करते हो तो यहाँ पे आप देखते हो आपको फोर आपको पिलोज प्रोवाइड किए गए हैं, बिल्कुल आपके फ्री या कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम फटाफट अब इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो देखते हो जैसे कि मैंने बताया था आपका डिजाइनर एक पिलो आपको देखने को मिल रहा है इसमें, या कुशन कह सकते हो आप। तो आप देखते हो जो इसके ऊपर ब्रांडिंग की हुई है हमारी फ्रेश अप मैट्रेस की, और इनके डिफरेंट्स जैसे कि मैंने बताया था आपको पिलोज भी आते हैं, कुशन आपको देखने मिल जाएंगे, फॉर्म और मैट्रेस सारे इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो ये मैंने ओपन कर लिया। आप देखते हो यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग हो रखी है, और यहाँ पे आपका देखते हो यहाँ पे ब्रांडिंग यहाँ पे भी दी गई है आपको फ्रेश अप मैट्रेस की। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसको, जैसे कि इसका कन्वर्टेबल होगा ये। तो यहाँ पे आपको फुटस्टूल दिया गया है कि इसको हम रिमूव कर लेंगे तो अब आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा सोफा में। तो चलिए सबसे ईजी स्टेप है इसका कन्वर्ट करने का, सिंपली आप इसको यहाँ से इसको इकट्ठा करके यहाँ पे और इसको यहाँ पे कर देंगे, और जो इसका फुट स्टूल है आप यहाँ से इजीली रिमूव कर सकते हो। तो ये आपका फुट स्टूल इजीली रिमूव हो चुका है। तो आप इसको डिफरेंट वे से यूज़ कर सकते हो, इसके ऊपर आप बैठ भी सकते हो, एज अ फुट स्टूल भी इसको यूज़ कर सकते हो, या एज अ टेबल भी इसको यूज़ कर सकते हो आप। और ये हमारा जो वन सीटर हमारा जो सोफ़ा है वो तैयार हो चुका है। देख सकते हो आप ये देखने में कितना लग्जूरियस लग रहा है। और इसमें आपको देख सकते हो जो मैंने बाय किया है ये डार्क ग्रे कलर में है। इसमें आपको डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है, जैसे कि मैरून, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे और अदर आपको ऑप्शन अवेलेबल है, वो आप इजीली चेक कर सकते हो। तो चलिए मैं इसके ऊपर बैठ के एक फीलिंग लेता हूँ, राजा वाली मेरे को फीलिंग आ रही है बिल्कुल। तो देखते हो आप ये कितना एक लग्जूरियस लग रहा है देखने में। और यहाँ पे आप देखते हो आपको प्रॉपर कम्फर्ट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे आप अपना ग्लास भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे आप, और काफ़ी कंफर्टेबल है। तो अब चलिए हम चलते हैं हमारा जो फोर सीटर सोफा कम बेड है उसको हम अनबॉक्स करेंगे, और इनके जो फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है सबके। तो हम पहले उसको अनबॉक्स करते हैं और फिर इसके फीचर हैं वो डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए हम इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, इसको हम इस साइड पर कर देते हैं, और काफ़ी लाइट वेट में आप इसको ईजिली कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। तो चलिए हम चलते हैं अब जो हमारा फोर सीटर सोफा कम बेड है इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो इसकी जो पैकेजिंग थी वो मैंने रिमूव कर लिया और ये आ चुका हमारा मैट्रेस की शेप में। तो इसके ऊपर हम पहले एक बार फील ले लेते हैं लेट के एक बार इसके ऊपर, और साथ में हमें पिलो देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा पिलो है, और यहाँ से आप इजीली इस पर रिलैक्स हो गए, आराम से बैठ सकते हो आप, लेट सकते हो, और काफ़ी कम्फर्टेबल है जो इसकी जो टॉप लेयर है काफ़ी कम्फर्टेबल है। इसकी मैं अभी सारे आपको जो बताऊँगा जो इसमें फोम यूज़ की गई है। और चलिए अब सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा था ये मैट्रेस, अब हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं सोफ़ा में। और उसके लिए आपने कुछ नहीं करना, सिंपल आपने एक स्टेप फॉलो करना है। सिंपली आप जस्ट जाएं और यहाँ से इसका जो बॉटम वाला पार्ट है जस्ट आपने ये करना है, और आपका कन्वर्ट हो चुका है फोर सीटर सोफ़ा कम बेड में। और इसके जो पिलोज़ हैं वो मैं आपको यहाँ पे लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हो देखने में कितना शानदार लग रहा है, और कितनी वाइब हमारी जो रूम की है वो बिल्कुल मैच कर रहा है उसके साथ। और साथ में हम इसके रख देते हैं वन सीटर सोफ़ा कम बेड है जो हमारा, और देख सकते हो आप हमारा जो पूरा एक सोफ़ा सेट है वो भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। ऐसे ऐसे देख सकते हो जो मैंने बताया था आपको, टेबल के रूप में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, या आपने फुट स्टूल के टाइप में यूज़ करना है तो आप यहाँ से एज ए फुट स्टूल भी यूज़ कर सकते हो। तो
तो काफ़ी एक मल्टीपर्पज़ यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा ये जो आपको एक्स्ट्रा मिलता है इसमें। और जो पिलोज़ हैं वो तो आपके लग ही रहे हैं कमाल, देख सकते हो कितना एक डिज़ाइनर पिलो आपको देखने मिल रहे हैं और काफ़ी कंफर्टेबल हैं ये। तो अभी तो हमारे ऑफिस आवर्स चल रहे हैं तो मैंने इसको कन्वर्ट किया हुआ सोफ़ा में। और हम बात कर लेते हैं इसमें जो आपको कलर्स अवेलेबल हैं, तो मैंने बाय किया है इसमें डार्क कलर, जो हमारा डार्क ग्रे कलर है वो मैंने बाय किया है। इसमें आपको एक्वा ब्लू कलर अवेलेबल है और डार्क ब्राउन कलर अवेलेबल है, लाइट ग्रे कलर अवेलेबल है और मैरून कलर अवेलेबल है। तो इसमें आपको डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आपकी रूम की वाइब है उसके हिसाब से आप बाय कर सकते हो। जैसे कि मैंने बाय किया डार्क ग्रे कलर, तो मेरी रूम के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है ये। और उसके बाद हम बात करते हैं इसमें जो साइज़ आपको डिफरेंट साइज़ अवेलेबल हैं। ये तो हमारा है 78x36x14 इंच का और इसमें आपको 72x36x14 इंच का भी अवेलेबल है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो इसमें आपको एक्स्ट्रा फुट स्टूल देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप एज ए इसको एक सेंटर टेबल भी यूज़ कर सकते हो, एज ए आप जैसे कि मैंने अभी लैपटॉप पे इस पर यूज़ कर रहे हैं, ये एज ए लैपटॉप पे भी आप यूज़ कर सकते हो, या अपनी जो एक्सेसरीज हैं वो भी आप इस पर रख के यूज़ कर सकते हो, या जब आपका टी टाइम हो रहा है तो उस टाइम पे भी आप ये यूज़ कर सकते हो, एज ए आपका मल्टीपर्पज़ यूज़ टेबल है ये। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारा जो 4 सीटर सोफ़ा कम बेड है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो ईज़िली। यहाँ से आप जस्ट इसको और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है मैट्रेस की शेप में, या आप इसको बेड की शेप में कह सकते हो। और इसमें आपको 2 ईयर्स की वारंटी देखने को मिलेगी और इसमें आप सिंपली यहाँ से बैठ के आप अपना वर्क भी कर सकते हो। यहाँ पर भी आप अपना लैपटॉप रख के अपना वर्क कर सकते हो, जैसे कि आपका ये टेबल एज ए टेबल यूज़ हो जाएगा। और एज अगर आपने मैट्रेस यूज़ करना है तो सिंपली आप जिसका पिलो आपको देखने को मिल रहा है इसको लें और आपका यहाँ पे बिल्कुल आराम से आप कंफर्टेबल फील करेंगे। जो इसकी टॉप HD फॉर्म का यूज़ किया गया, काफ़ी कंफर्टेबल है और आपकी बैक को भी सपोर्ट करती है ये। और यहाँ से आप देखते हो इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ है आपका, ये जिस हिसाब से आप इसको यूज़ करना चाहें वैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ, और आप अगर इसको रात को सोने के टाइम पे यूज़ करना चाहते हो सिंपली आप लेट के इसको यूज़ कर सकते हो। और आप जब आपने ऑफिस टाइम में यूज़ करना है तो सिंपली आपने जैसे मैंने 1 सोफ़ा सीटर कम बेड इसको मैंने कन्वर्ट किया हुआ है, यहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके आपके जो फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, इसमें कौन सी फॉर्म का यूज़ किया है वो 1 by 1 आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं वो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें आपको एक्स्ट्रा क्लोथ कवरिंग प्रोवाइड की गया है। देख सो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्लोथ कवरिंग प्रोवाइड की गया और हैवी ड्यूटी जिपर मेटल का यूज़ किया गया, जो आपके जिपर हैं वो मेटल के हैं। तो देख सो आप कितने स्मूद हैं आपके यूज़ करने के लिए, काफ़ी स्मूद है। और उसके बाद हम बात करते हैं जो आपका जो फैब्रिक यूज़ किया गया, इसमें जूट फैब्रिक का यूज़ किया गया और वाशेबल फैब्रिक है आपका ये, और जो इसकी क्वालिटी है प्रीमियम क्वालिटी का यूज़ किया गया इसमें। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें जो आपका फोम यूज़ किया गया है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो इसमें आपको 2 different layers देखने को मिलेगी जो आपकी फोम की है। सबसे पहले आपको HD फोम देखने को मिलेगी, जो कि आपको कंफर्टेबल एक कोजी फील प्रोवाइड करता है। और उसके बाद आपको जो हार्ड साइड है इसकी वो आपको ऑर्थोपेडिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपकी बैक को। तो इसमें आपको 2 different layers देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इसको हम वापस पैक कर देते हैं। और काफ़ी अच्छी बात लगी कि हम जिसका जो ऊपर टॉप फैब्रिक है इसको हम वॉश भी कर सकते हैं, और यहाँ से आपका सिंपली यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था, जो 1 सीटर सोफ़ा कम बेड था। और मेरी रिक्वायरमेंट थी एक, हमारी जो हमारा ऑफिस है उसमें मेरे को 4 सीटर सोफ़ा कम बेड भी चाहिए था, तो मैंने ये प्रोडक्ट भी इनका बाय कर लिया साथ में। तो हम बात कर लेते हैं इसका जो साइज़ हमने बाय किया, इसमें आपको डिफरेंट साइज देखने को मिल जाएंगे आपका। जैसे कि ये तो विद आर्म रेस्ट आ जाता है और इसमें विदाउट आर्म भी आता है, तो आप इनकी वेबसाइट से जाके या अमेज़ोन पे चेक कर सकते हो, इनके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो चलिए हम इसका जो सबसे पहले साइज़ है वो मेजर कर लेते हैं। तो जो हमारा 1 सीटर सोफ़ा कम बेड का साइज़ है वो 72x36x14 इंच का है, तो इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हो हमारे पास प्रॉपर साइज़ देखने को मिल रहा है, जो हमारा 72 इंच का साइज़ है, जो हमें 36 देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी हमारा प्रॉपर साइज़ देखने को मिल रहा है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमें 14 इंच का साइज़ है वो भी हम वेरीफाई कर लेते हैं अब। तो आप देख सकते हो हमें प्रॉपर साइज़ देखने को मिल रहा है यहाँ पे 14 इंच का। तो हम बात करते हैं हमारा जो 4 सीटर सोफ़ा कम बेड है इसका साइज़ हम वेरीफाई कर लेते हैं। इसका साइज़ है जो वो है 78x36x14 इंच का, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं अब। तो इजीली कन्वर्ट हो जाता है, आप देख सकते हो ये इंच वाला साइज़ है वो हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा प्रॉपर साइज़ है यहाँ पे हमें। अब इसका 14 इंच वाला चेक कर लेते हैं, जो हमारी हाइट आपको देखने को मिलती है, तो प्रॉपर 14 इंच आपको देखने को मिल रही है। और अब इसकी लेंथ है जो हमारी वो वेरीफाई कर लेते हैं। तो आप देखते हो हमें प्रॉपर साइज़ देखने को मिल रहा है। तो इसके मल्टीपर्पज़ यूज़ हैं, जिस हिसाब से आप यूज़ करना चाहते हो उस हिसाब से ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। और हम बात कर लेते हैं इसका जो
MRP देखने को मिलेगा वो तो है अराउंड 16,000 का, मगर आपको अराउंड अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो अराउंड आपको 8,000 to 9,000 का अमेजोन पे अवेलेबल है। तो इसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप अभी जाएं और बाय करें, और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको एक प्रोडक्ट कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।